इस वीडियो में मैं तुम्हें तीन टिप्स बताने वाला हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा वाला तो मेरा फेवरेट है और तीसरा वाला इतना फेवरेट है कि तीसरा वाला सभी का फेवरेट है। तीसरा वाले टिप्स को अगर आपने जान लिया तो आप YouTube पे बहुत ही जल्दी सक्सेस कर सकते हो। चाहे आप शॉर्ट वीडियो से सक्सेस करें या फिर लॉन्ग वीडियो से सक्सेस करें, दोनों पे आप जो है सक्सेस कर सकते हो। नंबर वन टिप्स में हमारा आता है YouTube का एनालिटिक्स। YouTube का एनालिटिक्स को अगर आपने नहीं समझा तो आप YouTube पे कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। YouTube के एनालिटिक्स को आपको एक एक करके एक एक स्टेप से आपको जानना होगा। अगर YouTube एनालिटिक्स को अगर आपने नहीं जाना तो आप YouTube पे ग्रो तो नहीं कर ही पाओगे। और उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे रिसर्च टैब और कंटेंट। यहाँ पे सीमोर पे जब आप क्लिक करते हो तो सीमोर पे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिप्स देखने को मिलता है एनालिटिक्स से रिलेटेड। अगर इसे तुमने एक एक हफ्ते में चेकअप नहीं करते रहा तो तुमको डीमोटिवेशन आएगा और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे और यूट्यूब के छोड़ के भाग जाओगे। तो इसे आपको चेक करते रहना होता है। अगर आपने इसे चेक नहीं किया तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आपको लगेंगे कि मेरे चैनल पे भी तो व्यू ही नहीं आते हैं। यहाँ पे तुम देखो कि अब यहाँ पे आपको एनालिटिक्स से रिलेटेड कंटेंट, ट्रैफिक सोर्स, ज्योग्राफी, सिटीज, व्यूअर एज, व्यूअर जेंडर, डेट, सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड यहाँ पे मोर पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ढेरों देखे कि सब्सक्रिप्शन सोर्स, कंटेंट टाइप, प्लेलिस्ट, डिवाइस टाइप, यूट्यूब प्रोडक्ट, प्लेबैक लोकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे जो मेरा पहला है ये भी फेवरेट है और तीसरा भी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो यहाँ पे देखो कि न्यू एंड रिटर्निंग व्यूअर्स। अब इस पे क्लिक करके तुम्हें बार बार चेक करते रहना अपने चैनल को। मेरा तो ये देखो कि मेरा ये दूसरा चैनल है। मैं इस वीडियो को तुमने उमेश गुरु ट्यूटोरियल पे देख रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उमेश गुरु शॉर्ट पे इस वीडियो को मैं बीच बीच में टेस्टिंग करता हूँ। जैसे कि मैं फेसबुक पेज को भी टेस्टिंग कर करके तुम्हें वीडियोस देता रहता हूँ सभी अपने सब्सक्राइबर को। और यहाँ पे देखो न्यू व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स में कितना डिफरेंस है। न्यू व्यूअर्स को देखोगे तो 9383 न्यू व्यूअर्स आए हैं और रिटर्निंग व्यूअर्स कितना है, 239, केवल 239 ही व्यूअर्स है। अब तुम बीच बीच में इसे चेक नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे थंबनेल पे क्लिक ही नहीं करते और तुम यूट्यूब को छोड़ दोगे और दूसरा चैनल बनाओगे। कभी फेसबुक पे जाओगे, कभी इंस्टाग्राम पे जाओगे, कंटेंट बनाते बनाते थक जाओगे और जैसे ही तुमने एक प्लेटफॉर्म को छोड़ा दूसरा पे विजिट किया तो इस तरह से तुम्हारा जो है और डिमोटिवेशन लेवल घट जाता है और तुम एक जगह कभी भी टिक नहीं पाते हो। अब जरा यहाँ पे सोचो कि न्यू व्यूअर्स 9383 आए हैं और रिटर्निंग व्यूअर्स कितना है, 239। रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि रिटर्निंग व्यूअर्स वही होते हैं जो तुम्हारे पहले वाले वीडियो को ऑलरेडी देख चुके होते हैं, चाहे उसने सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिटर्निंग व्यूअर्स यहाँ नीचे में भी देखोगे ग्राफ में, न्यू व्यूअर्स और रिटर्निंग व्यूअर्स का यहाँ पे परसेंटेज अगर देखोगे तो देखो 97.4% जो है न्यू व्यूअर्स ही आए हैं और यहाँ पे देखोगे 2.6% ओल्ड व्यूअर्स है, यानी कि ऑलरेडी ये वीडियो देख चुके हैं। अब जरा सोचो कि तुम कंटेंट बनाते रहोगे तो न्यू व्यूअर्स को अगर अच्छे तुम कंटेंट दोगे तो न्यू व्यूअर्स तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तुम्हारा चैनल और ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा न्यू व्यूअर्स आप तुम्हारे चैनल के ऊपर में आएंगे। और तुम यही सोचते रहोगे कि मेरा जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, जैसे कि इस चैनल पे दिखाऊं मैं तुम्हें तो 1200 लगभग सब्सक्राइबर इस चैनल पे भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कि 1240 सब्सक्राइबर और इस पे मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो यहाँ पे लास्ट 48 आवर्स में तुम देखोगे कि 9 व्यू आए हैं और 28 डेज का एनालिटिक्स देखो कि 14,000 व्यूज इस पे भी आए। अब मैं तुम्हें दूसरा चीज़ जो बताता हूँ, दूसरा चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे दूसरा इसी एनालिटिक्स से रिलेटेड ही दूसरा चीज़ जो यहाँ पे अब तुम्हें रिसर्च टैब देखने को मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पहले क्या होता था कि पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल एड्स में जाना होता था, लेकिन अब गूगल एड्स में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहीं पे यूट्यूब ने यहीं पे ये टैब लॉन्च कर दिया है, बहुत ही पहले लॉन्च किया है, तुमने देखा होगा, और लेकिन तुम इसका जो है फ़ायदा नहीं उठाते हो तो इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रिसर्च टैब में जैसे ही विजिट करोगे फिर से नीचे में तुम्हें सर्च अक्रॉस यूट्यूब योर व्यूअर सर्चेज सेव्ड तीन टैब्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सर्च अक्रॉस यूट्यूब पे जो यहाँ पे तुम सर्च करोगे कुछ भी, यहाँ पे हाउ टू अगर लिखते हो, चाहे तुम एड्स के लिए कीवर्ड ढूंढो या फिर अपने चैनल के लिए ढूंढो, हाउ टू जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे देखिए अब तुम्हें कीवर्ड ढेरों कीवर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। जितने भी यहाँ पे कीवर्ड तुम्हें देखने को मिला है ये वर्ल्ड वाइड इतने सर्चेज होते हैं, अगर एंटर को प्रेस करके देखोगे
तो हाउ टू से रिलेटेड तुम्हें ढेरों कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 पेजेस भी मिले हैं। यहाँ पे 1 पेज में देखो, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू टाई अ टाई, हाउ टू मेक स्माइल। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड तुम देख रहे हो ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा सर्चेज होते हैं। जितने पे हाई लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सर्च वॉल्यूम ऑन यूट्यूब पे जब ध्यान दोगे तो हाई हाई सभी पे हाई देखने को तुम्हें मिलेगा। इस टॉपिक पर तुमने हाई लेवल का वीडियो बना दिया तो 100% तुम्हारा वीडियो एक ही दिन में वायरल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में तुम देखो, जितने भी कीवर्ड यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा सभी के सभी मिलेगा तुम्हें योर व्यूअर सर्चेस में, वही कीवर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा। ये बीच बीच में तुम्हें देखने को मिलेगा जब लॉन्ग वीडियो तुम बनाओगे। अब उस कीवर्ड से रिलेटेड भी तुम्हें वीडियो बनाते रहना है, क्योंकि तुम्हारा जो ऑलरेडी सब्सक्राइब बंदे होते हैं वो भी सर्च जो करते हैं बार बार उसी का कीवर्ड यहाँ पे शो करवाता है। मेरे केस में देखोगे तो मेरे दूसरे चैनल में यहाँ पे भी मुझे कीवर्ड दिखता है। ये मेरा जो है लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, मैं इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव्ड देखने को मिलेगा। जब तुम कीवर्ड को यहाँ से कुछ सेव करना चाहो तो इस सेव्ड वाले टैब में तुम्हें सभी कीवर्ड सेव में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हाउ टू ड्राइव जो तुमने देखा, इसे तुम हाई लेवल से देख सकते हो गूगल कीवर्ड में। देखो यहाँ पे गूगल ट्रेंड में यहाँ पे जाने के लिए डायरेक्ट यूट्यूब ने अपने यहाँ पे 3 डॉट्स में दिया हुआ है गो टू गूगल ट्रेंड्स, जो कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तीसरा वाला मेरा ही नहीं सभी यूट्यूबर्स का फेमस है। तो तीसरा वाला देखो, गो टू गूगल ट्रेंड्स में जैसे ही विजिट करोगे, अब यहाँ पे तुम एक एक करके बारीकी से कीवर्ड को ढूंढ सकते हो जिस कीवर्ड से ज़्यादातर सर्चेज होते हैं। कंटेंट आइडिया ढूंढ सकते हो, कौन से कंटेंट आइडिया रखना चाहिए तुम्हें, कौन से टाइटल रखना चाहिए, किस टाइप के कंटेंट बनाना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाउ टू ड्रॉ वाला मैंने कीवर्ड लिया, अगर मैं इसे चेंज करूँ, कुछ भी चेंज करके यहाँ से मैं चेक करूँ तो वो भी हमें दिखेगा। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, इस ग्राफ में देखो कि 96, 88, 92, आप जैसे जैसे तुम कर्सर को स्क्रॉल करते जाओगे तुम्हें यहाँ पे डेट के साथ यहाँ पे तुम्हें हाउ टू ड्रॉ कितने बार सर्च किया गया है यूट्यूब पर सभी तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर तुम फिल्टर को लगाना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो, वेब रिसर्च, इमेज रिसर्च, न्यूज रिसर्च। अभी यहाँ पे देखोगे तो यूट्यूब रिसर्च ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस वेबसाइट में तुम डायरेक्ट गूगल ट्रेंड जब गूगल पे सर्च करोगे यहाँ पे देखो तो डायरेक्ट तुम गूगल ट्रेंड में विजिट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देखोगे गूगल ट्रेंड से मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो ये गूगल का सर्च कंसोल का एक एनालिटिक्स है। यहाँ से तुम अपने कीवर्ड को अगर तुम गूगल एड्स लगाना चाहते हो या फिर फेसबुक एड्स लगाना चाहते हो तो ये सेवा बिल्कुल गूगल की तरफ से फ्री है। इतने फ्री दूसरा तुम्हें वीडआईक्यू सब नहीं देगा, जो कि वीडआईक्यू पेड होता है, वहाँ से भी तुम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें हॉट टॉपिक भी मिल जाएंगे, वायरल टॉपिक भी मिल जाएंगे, किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियोस व्यू लाना है यहाँ पे तुम बारीकी से उसे देख पाओगे। कौन से सर्चेज सबसे ज़्यादा अभी तुरंत के टाइम में हो रहे हैं वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पे उज्जैन केस यहाँ पे देखो कि 20,000 यहाँ पे सर्चेज आए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसा टिप्स दूंगा जिसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी सर्च करते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले इस पे अटके रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई विजिट नहीं करेगा तो उसका चैनल कभी भी सर्च वॉल्यूम में हाई नहीं आएगा, उसका वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा। यहाँ पे देखोगे उज्जैन में कोई केस चल रहा है जो कि तुम्हें पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन उज्जैन केस से रिलेटेड तुम अगर कंटेंट बनाना चाहो, देखो कि मैं उज्जैन केस को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो देखो उज्जैन केस से रिलेटेड यहाँ पे देखो, हमें गुस्से में पिता तो भाई को शक, माँ को उम्मीद घर लौटा आएगा। देखो कि यहाँ पे उज्जैन का ये जो है हॉट न्यूज़, मुझे जो कि अभी पता नहीं है, मैं यहाँ जहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वहाँ का घटना नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर तुम न्यूज़ एंकर हो, न्यूज़ चैनल है तुम्हारा, या फिर तुम ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाते हो तो देखो कि गूगल ट्रेंड्स तुम्हें कितना अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ से तुम हर दिन हजारों वायरल वीडियोस के आइडियाज़ ढूंढ सकते हो। यहाँ पे टाइम देखोगे तो 1 डे एगो 3 आवर एगो 22 आवर्स एगो, यानी कि ये इतना सटीक टाइम दिखाता है कि तुम्हें तुरंत वीडियो अपलोड कर देना चाहिए इस टॉपिक पे बनाकर। जैसे ही अपलोड करोगे तुम्हारा वीडियो 100% वायरल हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिखाता है लेटेस्ट तुरंत हाल फिलहाल का ट्रेंड दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया कि यहाँ पे भी तुम गूगल सर्च में विजिट कर सकते हो। ईयर इन सर्च में जब जाओगे यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते हुए, जैसे कि यहाँ पे देखो 3 डॉट्स पे क्लिक करते हुए ईयर इन सर्च में जाओगे
तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन से ईयर में कितने सर्चेज हुए हैं, हाउ टू, सब कुछ यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा। अलग अलग तुम कंट्री का भी देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो यहाँ से तुम कंट्री को भी चेंज कर सकते हो। किसी भी एक टॉपिक पे तुम क्लिक करोगे तो फिर से वही में तुम विजिट कर जाओगे, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था कि यूट्यूब पे इस सर्च रिसर्च टैब से तुम यहाँ पे विजिट करोगे। देखो गूगल ट्रेंड्स यहाँ पे तुमने विजिट किया, अब मैं तुम्हें मैन्युअली भी विजिट करके दिखा दिया। अब देखो कि यहाँ पे वेब सर्च है, पूरे वेब में जो ये सर्च हो रहा है तो ये पूरे वेब का ग्राफ है, यानी कि वेबसाइट पे गूगल पे जो सर्च हो रहा है ये उसके लिए है। यहाँ पे पूरे ही वेब, पूरे जितने भी सर्च इंजन्स है सभी के लिए ये तुम मान लो। यहाँ पे देखो कि तुम अगर यूट्यूब के लिए ही कंटेंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे यूट्यूब रिसर्च तुम्हें डाल देना है। अब यूट्यूब पर कितने उस टाइम में कितने रिसर्च हो रहे हैं ये तुम्हें लाइव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो कि तुम ईयर को सेलेक्ट कर सकते हो, पास्ट डे पास्ट आवर तक तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि पास्ट पिछले 4 घंटे के अंदर में क्या क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। यहाँ पे देखो कि कौन से कंट्री तुम्हें चूज करना है, वर्ल्ड वाइड करना है, यहाँ पे सभी कंट्री तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कहा था ना कि ये मेरा ही नहीं पूरे यूट्यूबर का फेवरेट है, अगर इसे तुमने यूज नहीं किया तो यूट्यूब पे कभी तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे। यही सब रिसर्च टैब का यूज करते हुए तुम्हें कंटेंट को बनाना है, फाइंड करना है, काम करना है, तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। चाहे तुम वॉइस ओवर चैनल बनाओ या फिर फेस वाला चैनल बनाओ, कोई भी चैनल बनाओ उससे मैटर नहीं करता, लेकिन तुम्हें रिसर्च एनालिटिक का रिसर्च करना ही होगा। अब चाहो तो तुम इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाला टॉपिक कैसे रिसर्च करना है अपने यूट्यूब वीडियो के लिए वो कोई नहीं बताएगा, दूसरा यूट्यूबर तुम है पूरे यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को तुम चाहे तो लाइक भी कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।